सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है एक्चुअली, हिंदी में अगर इसको पहचानेंगे तो वही आपका आएगा, रहा है, रही है, रहे। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होंगे कि सर जब ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हैगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ इतना फर्क है कि डिट्टो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा ही, बस इसमें क्या होता है टाइम दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे से खेल रहा है इज अ कंटिन्यूअस थिंग हो रही है आपकी प्रेजेंट में, तो वह 2 घंटे से खेल रहा है तो ये चीज आ रही है उसमें। तो टाइम आ गया, तो टाइम आ जाए जैसे कि भाई पिछले 2 महीने से एक ही बुक पर काम कर रहा है, एक ही वीडियो पर काम कर रहा है, तो मतलब जो टाइम आ जाता है उसमें, तो आपको कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज बीन और हैव बीन। मतलब इसमें आपका जो प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी आपकी हैज और हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी, हैज बीन और हैव बीन। तो आपको पता ही है हैज का यूज किसके साथ करेंगे, फर्स्ट ग्रुप के साथ, फर्स्ट ग्रुप मतलब सिंगुलर ग्रुप, जैसे ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर थिंग। और सेकेंड ग्रुप क्या होता है आपका, प्लूरल, जैसे आपका हैव बीन, तो क्या होगा आपका आई वी दे यू के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जैसे पहला हम ले लेते हैं सेंटेंस कि वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो इसमें क्या होगा वह, तो आपको पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस में आपका देखो परफेक्ट टेंस का आपका हैज या हेल्पिंग वर्ब लिया है और आपका प्रेजेंट है इसलिए आपका कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या लिया है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब आपका कंटिन्यूअस टेंस होगा तो क्या लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आइए अब बनाते हैं सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस क्या था, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। इसमें ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर, तो इसमें आपका टाइम आया, तो इसलिए आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इसमें कहेंगे फॉर, तो आपको मैं बता दूं फॉर और सिंस का यूज कहाँ करना है आपको। फॉर का यूज आपको करना है पीरियड ऑफ टाइम में, और आपको सिंस का यूज करना है आपका पॉइंट ऑफ द टाइम में। जैसे कि आपका जो बिल्कुल सिलेक्ट होता है, पता होता है हमें, वो उसमें सिंस का यूज करते हैं। जैसे वह 2 बजे से पिछले साल, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, इस तरह जो जिनमें हमें पता रहता है उसमें आपका सेंस आएगा। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए कि वो 5 साल से ये काम कर रहा है, वो 2 घंटे से ये काम कर रहा है, तो इस तरह के पीरियड ऑफ टाइम में आपका फॉर का यूज होगा। तो जैसे अगला सेंटेंस देखते हैं कि वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो क्या हो जाएगा शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। एक्चुअली मॉर्निंग है तो इसलिए आपको क्या आएगा इसमें सिंस आएगा। तो आपको आया ही समझ में। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ग का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस नेगेटिव में क्या हुआ, हैज और हैव के बाद क्या आया आपका, नॉट आया। इसके बाद वही आपका पूरा वही का वही है। तो जैसे वह 2 घंटे से मूवी नहीं देख रहा है या टीवी नहीं देख रहा है, तो हम टीवी वाले ही कर रहे थे क्योंकि पिछला हमने सिंपल ही वही बनाया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है, तो ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। आया इसमें समझ में, देखो ही हैज के बाद नॉट, ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, गॉट इट। जैसे कि वह तुम्हारा सुबह से इंतजार नहीं कर रही है, वह तुम्हारा सुबह से इंतजार नहीं कर रही है, तो इसमें क्या होगा, तो भाई सुबह से नहीं कर रही इंतजार, इसको कैसे बोलेंगे, she has not been waiting for you since morning, मतलब सब क्या आया, नॉट लग गया, आया इसमें समझ में। जैसे have का यूज भी हम देख लेते हैं, जैसे मैं दो घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर। आया समझ में।
आपस रूल सिंपल है, सेकंड ग्रुप के साथ आपको हैव का यूज करना है और फर्स्ट ग्रुप के साथ आपको हैज का यूज करना है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, क्या मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, क्या मैं उसको 2 घंटे से ये बात बोल रहा हूं, तो इस तरह के जब क्या क्वेश्चन मारेगा तो आपका इंटरोगेटिव होगा। तो इसका फॉर्मूला हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और रिटर्न में क्वेश्चन मार्क, और स्पीकिंग में कहते नहीं क्वेश्चन मार्क। हाँ तो इसमें क्या होगा, जैसे क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, जैसे आप जनरली क्वेश्चन का ये इंटरोगेटिव में बहुत बोलते हैं, क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो हैज ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो हैज ही बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो आया आपको समझ में, ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही सिंपल है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको टाइम दिया रहेगा तो आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और इसमें टाइम नहीं रहेगा वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो बस यही इसमें डिफरेंस रहेगा। तो बिल्कुल आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करें और यूज करें, आराम से आप सीख जाएंगे, रटना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।